हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो अभी है नाइट टाइम, फैन की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सो एसी भी ऑन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा फ़ैन का आवाज़। तो आज बतानी आई थी गुड नाइट, और उसके साथ कुछ स्मिटन हॉल भी शेयर करना था। स्मिटन से कुछ चीज़ें मैंने मंगवाए हैं फिर से, क्योंकि ये मेरे जो है ये थर्ड वाला है परचेज फ्रॉम द वेबसाइट स्मिटन। और अभी जो अप्लाई कर रही हूँ वो बता देती हूँ, वरना बाद में पूछते रहोगे कि क्या अप्लाई कर रहे थे आप नहीं बताए। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, वो है ला ऑर्गेनो के एक्टिवेटेड चारकोल वाले फेस मास्क, मार्ट फेस मास्क, पिल ऑफ नहीं है, मार्ट फेस मास्क है, अच्छा वाला मास्क है। दिखा देती हूँ कौन सा वाला है, ये वाला, ये मैं अप्लाई कर रही थी। तो अभी नाइट टाइम है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है, तो मैं सोच रही थी कि दिन भर मैं धूप में भी थी आज, तो इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लूँ। मैंने अपने हेयर को टाई कर लिया है थोड़ा सा, अभी कोई बात नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 7 डेज हो चुका है मेरे स्मूथनिंग, तो मैं अभी टाई कर सकती हूँ तो देर के लिए, मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा रब नहीं करूँगी क्योंकि रब करने से ना मास्क वगैरह मेरे फेस पे सेंसिटिविटी हो जाते हैं, तो आई एरिया को छोड़ के मैंने अप्लाई कर दिया है। तो मैं अभी इसको थोड़ी देर रखूँगी, 5 मिनट के अंदर ये सूख जाएगा, और उसके बाद मैं जो कि रब करके वॉश करूँगी। तो फिलहाल उसका वीडियो ये नहीं है, स्मिटन वाला हॉल है, तो देख लो स्मिटन वाले हॉल में इस बार क्या है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। आज का जो स्मिटन हॉल है वो बहुत ही छोटा स्मिटन हॉल है, बट जो प्रोडक्ट्स है ना बहुत ही काम के है, तो फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो लिया है यहाँ पे है एक पॉकेट सेंट और सर्टिफाइड इन फ्रांस, तो ये फ्रांस का है। ड्रीम वुमन एडी परफ्यूम लाइब्रेरी, तो दूसरे भी मैंने और एक सेंट परचेस किया था लास्ट मिटन हॉल में, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट, और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, इजीली इसको स्प्रे भी कर सकते हो। वैसे फ्रेग्रेंस तो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती, बट इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा लाइट और सोफिस्टिकेटेड है जैसे कि पहले वाला था। नेक्स्ट यहाँ पे है अयुध वेदा वेजिटोन इंटीमेट हाइजीन वॉश, तो इसका जो छोटा वाला ट्रायल पैक है ये वो है, और ये मेरे लिए टोटली नया है, मैं इसको यूज करूंगी फिर इसके बारे में आपको रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। उसके बाद एम कैफे से 3 प्रोडक्ट्स है जो मुझे यूज करने का बहुत ही ज्यादा मन था, मुझे ट्रायल पैक में मिल गया तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी। एक तो है एम कैफे नेकेड एंड रॉ कॉफी स्कैल्प एंड हेयर ऑयल, इसको ऑयलिंग करने के बाद करना है ये है एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ रेंज से कॉफी स्कैल्प स्क्रब। तो इसका इंतजार मुझे बहुत दिनों तक था, तो मैंने फाइनली इसको परचेस कर लिया फ्रॉम स्मिटन ट्रायल प्रोडक्ट्स, और इसको करने के बाद मैं करूंगी एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफी वाला शैम्पू। ये पूरे के पूरे रेंज में ट्राई करूंगी, लाइव आप लोगों के साथ डेमो एंड इसका रिजल्ट शेयर करूंगी, तो अलग से इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। एंड द लास्ट वन इज द पाउच, तो ये है लेदर पाउच वर्थ ₹499। तो ये है वो पाउच जिसका इंतजार मुझे था, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लैक है, तो मेरे पास एक ग्रीन भी आ गया, तो मुझे पाउचेस वगैरह बहुत पसंद है जहाँ पे आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने लिपस्टिक्स और आई पेंसिल्स वगैरह जो इधर उधर पड़े हुए होते हैं ना, उसको ठीक तरह से अरेंज आप कर सकते हो। पिछली बार मुझे एक वो मिला था ना प्लानर, कैसे ट्री प्लांटेशन करना है, वो सारे चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था। तो यही था छोटा सा स्मिटन हॉल, तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मैं विद 6 ट्रायल पॉइंट्स परचेज करती हूँ, आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। आपको अगर चाहिए कि कैसे स्मिटन से परचेज करना है, कैसे आप ओनली ₹199 में इतने सारे प्रोडक्ट्स पा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जरूर क्लिक करके देख लेना। तो स्मिटन हॉल तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आज का वीडियो का मतलब ही था आप लोगों को गुड नाइट बोलना, तो उसी बीच मैंने दिखा दिया स्मिटन के प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थे इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। सो टेक केयर, गुड नाइट।